नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्ग 3 की वेरिफिकेशन लिस्ट में एक अंक में कितने यू आर नॉन गेस्ट अभ्यर्थी हैं। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। जो हम जानकारी दे रहे हैं यू आर नॉन गेस्ट फीमेल के लिए दे रहे हैं। यह जानकारी यू आर नॉन गेस्ट फीमेल के लिए है। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो सबसे और साथ ही साथ यह जो हमने जानकारी एकत्रित की है वेटिंग लिस्ट से की है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप सत्यापन सूची कह रहे हैं लेकिन जो अभी आई है यह वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट है। तो श्रीमान आपसे विनम्र अनुरोध है, यह जो वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट है यही आपकी सत्यापन सूची है, क्योंकि जिनके नाम इन वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट में आए हैं उन्हीं के नामों का सत्यापन होना है। तो इस कारण से इसे वेरिफिकेशन लिस्ट या सत्यापन सूची भी कहती है। तो देखें सबसे लास्ट में जो वेटिंग बनी है यू आर में वह अंक है आपके अंक 108.36 और रैंक जो बनी हुई है वह बनी है 1116 रैंक है, 1116 रैंक और 108.36 अंक। इसके बाद देखें अंक 109.38। हमने 109.38 इसलिए लिया क्योंकि इसके बाद जो अंक है वह 109.35 है। इसके बाद जो अंक है वह 109.35, इस कारण से हमने यहां पर जो अंक लिया है वह 109.38 लिया है। तो इसकी जो रैंक बन रही है 109.38 में यह बनी हुई है 929। अब देखें तो इसके यहां पर डिफरेंस आप देखें तो कुल कितने अंक का है, एक अंक का। एक अंक का अंतर और रैंक में कितने अंतर है, रैंक का अंतर है 187। सोलह में से 9 जाएंगी तो 7, 11 में से 3 गई तो 8 और 10, 11 में से 10 गई तो 1। तो इस प्रकार जो आपका अंतर बना वह 187 अंक का, 187 अभ्यर्थी का अंतर है। तो कहने का तात्पर्य है यू आर फीमेल में एक अंक में 187 फीमेल अभ्यर्थी हैं, एक अंक में 187 फीमेल अभ्यर्थी हैं। यदि आपकी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।